सुप्रीम कोर्ट के CAA प्रदर्शनकारियों को और नोटिसकर्ताओं को नहीं देना होगा मुआवजा। इस आदेश के बाद नोटिस का सामना कर रहे संभल के लोगों में खुशी की लहर। दरअसल संभल के प्रदर्शनकारियों और नोटिसकर्ताओं से खास बातचीत की। 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA बनाया था। इसका विरोध पूरे देश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रदर्शन हुआ था। यूपी के जनपद संभल समेत कई शहरों में भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई जगह पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार ने कई लोगों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी किया था। पैसा जमा करने की तारीख निकल जाने के बाद कुर्की के आदेश जारी किए गए। संभल जनपद के रहने वाले फारूक जमाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए CAA प्रोटेस्ट के दौरान रिकवरी नोटिस थमाए गए थे। इसी कड़ी में फारूक जमाल को नोटिस तामिल कराया गया था और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और उन जैसे और भी दर्जनों लोगों को नोटिस दिए गए थे जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण में जाकर स्टे लिया था। लेकिन संभल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से CAA प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। संभल जनपद के रहने वाले मुशीर खान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए CAA प्रोटेस्ट के दौरान रिकवरी नोटिस थमाए गए थे। इसी कड़ी में मुशीर खान को भी 49 लाख रुपए का नोटिस तामिल कराया गया था और उन जैसे और भी कई लोगों को 49 लाख के नोटिस दिए गए थे जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण में जाकर स्टे लिया था। लेकिन संभल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से CAA प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। मुशीर खान AIIM पार्टी से संभल शहर विधानसभा सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो काबिले तारीफ है। जब से बाबरी मस्जिद का फैसला आया है तो मुसलमानों में एक अजीब सी कशमकश थी कि अदलिया का जो दामन है वो ये समझ रहे थे कि दागदार हो चुका है। लेकिन अभी जो है उम्मीद बाकी है। लोगों को आज ये समझ में आया है कि अदलिया जो है अब जमहूरियत के जो फैसले हो रहे हैं उस वाकई जो है जमहूरियत के फैसले हो रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। और इस तरह के अगर फैसले होते रहे जैसे कि आज हुआ है तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क जो है एक अच्छे जो है रास्ते पर चल निकलेगा। हाई कोर्ट का जो आज फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। ये संभल का जो प्रोटेस्ट चला था तो वो हमारा एक राइट था जो हम कानून के अकॉर्डिंग अपने धरने को चला रहे थे और उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। हम शांतिपूर्ण अपना धरना चला रहे थे और लगभग 60 दिन हमारा धरना चला और कोई भी ऐसा हादसा यहाँ नहीं हुआ कि जिससे कोई वायलेंस हो या कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ हमारे पर मुकदमे लगाए गए, हमें टॉर्चर किया गया, बार बार प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया गया। मैं बहुत ही दिल से अपने फैसले का स्वागत करता हूँ।